हेलो सर, बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। अमित जी, इज दैट द रीजन दैट यू आर लुकिंग हैंडसमली हैंडसम टुडे? कहां हो तुम? सही है। थैंक यू मैडम। विद योर नतमस्तक हूं आपके सामने, बहुत बड़ी कृपा है आपकी। विद योर स्पेसिफिक फैशन स्टाइलिंग दैट चुन्नी मेक्स यू लुक सो हैंडसम एंड यू गिव अ टफ कंपटीशन टू द यूथ सिटिंग बिसाइड यू। सर एक और टेल मी हु हैज एक जल्दी से एक और पिक्चर बनाइए। आपको किसने ये स्टाइलिंग करवाई सर? एक जल्दी से पिक्चर बनाइए जिसमें आजकल की जितनी नौजवान हीरोइंस हैं वो मेरे साथ हो, मेरे सामने हो, और इनका उदाहरण लीजिएगा। मैडम ये जया जी की भेंट है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले की। ये खास बंगाल से बनता है, बंगाल में बनता है। और जब हम अपनी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था पीकू, उस समय जब वो कलकत्ता आई थी तो उन्होंने मुझे खरीद के दिया था। मैडम जितने वस्त्र के बारे में आपने पूछना अभी पूछ लो, एक एक करके, मामला बहुत हल्का हो सकता है। घड़ी तक ही बात रहने दीजिए आप प्लीज। हेलो फरहान, टू योर लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट साइड में सर, आपके लेफ्ट साइड में सर, यहाँ सर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, 42वीं शादी की सालगिरह है। और आपसे सवाल करूँगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर, वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं, तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही है? आपकी शादी हो गई क्या? जी सर। कितना मीठा है आपका लड्डू? सर आपसे पूछना है मुझे भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, 42 साल नहीं हुए शादी। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, पूछने का अधिकार हमको भी है। सारा लड्डू आप ही खा जाएंगे, हम लोग क्या खाएंगे फिर? यानी आपके लड्डू मीठे हैं, नहीं बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल, मेरे भी बहुत मीठे हैं। सर अनुभव थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आपने ट्विटर पे बहुत सारी बात शेयर की हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सर, अनुभव कैसा था ये पूरा 42 साल का अनुभव? 42 साल विवाह का अनुभव, इसको कौन लाया यार इधर? सर ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। थैंक यू सर। मतलब घर में घुमा करता था विद एन इमेजिनरी गन, and I used to go around corners thinking that there are villains hiding in different places. I was a very filmy child as you can imagine. तो मैं सब करता था। और एक दिन मैं अपने मम्मी के रूम की तरफ जा रहा था, दरवाज़ा बंद था, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा, उसके पीछे एक विलिन का हेंचमैन टाइप खड़ा होगा और मैं उसे एक सॉक करूँगा मुँह पे। और मैंने दरवाज़ा खोला और जोया वॉज कमिंग आउट एंड आई पंच जोया इन द फेस। तो उसके बाद आई मूव टू रोमांटिक कॉमेडीज फॉर अ बिट। आपके पास फुर्सत है क्या मैडम? आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं सुबह से। अभी तक तो आप मेरे वस्त्र के ऊपर पीछे पड़ी हुई थी, अब हमारी कुंडली ऊपर आ गई हैं आप। क्या मालूम किसने क्या लिखा है, और जिसने लिखा होगा उनसे जाके पूछिए आप। राजू सर,